गरीबों के नाम पे वोट मांगने वाले, गरीबी हटाओ का नारा देने वाले ये नेहरू गांधी खानदान ने चार पीढ़ियों तक यही काम किया। पूरी कांग्रेस पार्टी इसी पे लगी रहती थी, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब मिट गया, लोग गरीबी में फंस गए, लेकिन गरीब गरीबी रेखा से बाहर नहीं आया। इनके लिए वोट बैंक था, लेकिन एक गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो पिछले 5 वर्षों में 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 9.60 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में मिलना, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलना, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगना, 80 करोड़ लोगों को जो गरीब और ज़रूरतमंद को 30 महीने तक मुफ्त में अनाज मिलना और अगले 5 साल तक अनाज मुफ्त में मिलता रहेगा। ये मोदी सरकार ने, ये काश ये लोग पहले करके गए होते तो राहुल जी को आज ये बात ना कहनी पड़ती। गरीबों का उत्थान किसी ने किया है और लाभ देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने।